जय हिंद किसान भाइयों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तिली के पौधे के बारे में, जो कि क्या कितना समय इसमें लगता है, उसकी बोनी कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या रुकावट आने वाली हैं और आती रहती हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को स्क्रीन मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तिली के बारे में। ठीक है किसान भाइयों, अब मैं लेके चलता हूँ तिली की ओर। किसान भाइयों, मैं लेके आया आपको तिली की तरफ। ये तिली का पौधा जो कि अभी कच्ची हुई है, थोड़ा विशेष रूप से कहीं पक चुकी है। ठीक है किसान भाइयों, ये पूरा ये इसका फूल है, ये देखिए ऊपर ये, और ये नीचे फर चुकी है। ठीक है, अब पकने की बस देर है। जो येलो कलर का आ गया है ना ये किसान भाई, ये येलो कलर का ये पकना चालू हो गया है, और जब ये काला सूख टाइप का जाएगा तो यह पक जाएगी है तिली। ठीक है किसान भाइयों, और इसमें विशेष रूप से हमने कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं हुई है। ये किसान भाइयों, ना ही हम लोग ने अभी स्प्रे किया था, ये साथ में उड़द के साथ लगी हुई थी, इसलिए हमको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जो स्प्रे हमने उड़द में किया वही तिली में भी कर दिया। ठीक किसान भाइयों, अब हम देखते हैं इसमें, क्योंकि ये तिली लगी हुई है और ये थोड़ा टूट चुकी है, इसलिए मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद इसमें कुछ पका सा मिल जाए कुछ। ठीक है किसान भाइयों, ठीक है किसान भाइयों, पका तो मिल ही जाएगा लगता है, मोबाइल में पकड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा ढंग से बन नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये देखो, एक बीजा तो आया लेकिन वो गिर गया। ठीक है किसान भाइयों, देखिए तिली थोड़ा सा निकल ही आई, मैंने निकाल लिया। ठीक है, यह वही तिली है जो कि त्योहारों में पकवान बनाने के काम आती, जो कि जिसे विशेष रूप से अपन लड्डू कह देते हैं। किसान भाई, वही है यह तिली जो कि येलो कलर का हो चुका है, तो थोड़ा सा पकने लगा, जब ये पूरा इस तरह हो जाएगा ब्लैक तो ये पक जाएगा। ठीक है, और जो कि अभी आपको ओनली हरा ही दिख रहा है, ये देखिए, तो ये अभी पका नहीं है। ठीक किसान भाई, और जो कि यह इसकी जो कि उम्र होती है अवधि, इसका समय फिर भी 75 से 85 दिन के बीच का समय होता है। ठीक है, जो कि तिली का है। ठीक है किसान भाई, उसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती, ओनली इसको पौनी कर दिए, फिर उसके बाद आपको जब लास्ट में इसको ओनली पंछियों से बचाना है। ठीक है किसान भाई, ये देखिए मेरे खेत में पूरी तरह से लगा हुआ है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा होती है खाने पीने के लिए, और इसका काफ़ी रेट भी होता है। ठीक है किसान भाइयों, और नेक्स्ट वीडियो, यदि आप पंछी से बचाना नहीं जानते फसल को, तो मैं आप मुझे कमेंट कर देना, मैं भी अभी एक पंछी बनाया हुआ हूँ जो कि मेरे घर पर रखा हुआ है, पंछी उसको देखते ही उड़ जाते हैं ऑटोमेटिक।